दोस्तों आज की अपडेट को बताने से पहले आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई हमारे गेम के अंदर अब हमारा जो नेक्स्ट डायमंड रॉयल का बंडल रहेगा ये कौन सा रहने वाला है, अब हमें यहाँ पे मेल का देखने को मिलेगा या फीमेल का। अगर आप लोग देखोगे हमारे गेम के अंदर अभी आपको करंट के टाइम पे हमारा मेल का बंडल देखने मिल रहा है, और इस बंडल को हमें गेम में पहले भी दिया गया था, बट उसी बंडल को फिर से यहाँ पे हमें डायमंड रॉयल के अंदर दिया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को फिर से वैसा अब यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे ओबी अपडेट आ चुका है, बट इसके बाद यहाँ पे कौन सा बंडल आएगा। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड अपडेट मिल रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको इनका बंडल देखने मिलेगा कुछ इस तरह का, जो कि देखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है, क्यूट लग रहा है, बट यहाँ पे अगर आप लोग गौर से इस बंडल को देखोगे यहाँ पे आपको पीछे में यहाँ पे थोड़े बहुत फुलझड़ी देखने मिलेंगे, जो कि इसके पीछे शोल्डर में देखने मिलेंगे, जो कि आप लोग नॉर्मली रियल लाइफ में भी नहीं पहनते। हाँ, गर्ल्स पहनते होंगे अलग बात है, बट यहाँ पे बॉयज लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिलहाल आप लोगों को ये जो कॉस्ट्यूम है ठीक ठाक है, बढ़िया है, बट ज्यादातर बंदे फीमेल का बंडल नहीं निकालेंगे डायमंड रॉयल से, और ये हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल हो सकता है, जो कि आपको आने वाले टाइम पे हमारे इन सर्वर में देखने को मिलेगा। हाँ, मुझे पता है कि भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत चोट लग चुका है कि भाई यहाँ पे फीमेल का बंडल अब आ रहा है, हमको मेल का बंडल चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि रियल लाइफ से हट के यहाँ पे गेम के अंदर लॉन्डे लोग लॉन्डे को पसंद कर रहे हैं लेने के लिए, बट खैर छोड़ो, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो बंडल है कब तक आ सकता है। बस ज्यादा दिन नहीं है, एक की दो दिन के बाद आप लोगों को हमारे नया डायमंड रॉयल का बंडल में ये फीमेल का बंडल देखने को मिलेगा। दोस्तों डायमंड रॉयल से याद आया कि मुझे एक और अपडेट देना था। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पे हमारा जब भी पैच अपडेट आया था उसके बाद यहाँ पे हमें गोल्ड रॉयल में एक फीमेल का बंडल देखने मिल रहा था। हाँ दोस्तों, अभी जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ तो बहुत लोग ये बंडल को निकाल लिए हैं, और थोड़े देर के बाद क्या हुआ कि अचानक से यहाँ पे एक नया मेल का बंडल हमें गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिला, और ये चीज आप लोग भी देख के सरप्राइज हो और मैं भी सरप्राइज हूँ। अब ये ग्लीच है या फ्री फायर, इसको जानबूझकर किया। सबसे पहला चीज, अगर आप लोग जानते होंगे, हम लोग इस ओबी अपडेट से आने से पहले एक और जो हमारा ओबी अपडेट आ रहा था उस अपडेट में ये हमें गोल्ड रॉयल में देखने मिला था बाहर के सर्वर में, और जो अभी आप लोग एफएफ टोकन में जो बंडल देख रहे हो वही बंडल इससे पहले वाले ओबी अपडेट में एफएफ टोकन में कुछ बाहर के सर्वर में दिया गया था। तो सेम यहाँ पे गोल्ड रॉयल में भी वही हुआ है। पिछले वाले ओबी अपडेट में जो गोल्ड रॉयल में बंडल आने वाला था हमारा, जो कि नहीं आया था, वही बंडल को यहाँ पे गोल्ड रॉयल में दिया गया है। और अगर अभी आप लोग करेंट में कुछ बाहर के सर्वर में देखोगे गोल्ड रॉयल में, आपको वही फीमेल का बंडल देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ से आप लोग कह सकते हो कि फ्री फायर की तरफ से थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्लिच हुआ है, बट ये ग्लिच को जल्दी से ये लोग फिक्स कर देंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो हमें बंडल मिला था वो वापस लिया जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप लोग से वापस लिया जाएगा, ये फ्री फायर का ग्लिच है और उनका फॉल्ट है, तो भाई वो ये चीज सॉल्व करेंगे, बट आप लोगों से वो बंडल मे बी नहीं लिया जाएगा। अगर बाई चांस मे बी ये लोग लेते हैं तो आप लोगों को अपने मेल बॉक्स में आप लोगों को छोटा मोटा मेल रिसीव हो जाएगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप लोगों का जो बंडल है वो आप लोगों से लिया जा रहा है, बट ऐसा होने का चांस थोड़ा मुझे कम लगता है। और आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने बंदे वो फीमेल के बंडल को निकाल दिए थे गोल्ड रॉयल से, बट अभी तक मेरे को 10,000 गोल्ड उड़ाने के बाद भी ये बंडल नहीं मिला। भाई क्या ये फीमेल का बंडल आई थी, अब निकाल भी नहीं सकता हूँ। अब थोड़ो खैर, अब मुझे ये गोल्ड रॉयल के लॉन्डे से काम चलाना होगा। अब आते हैं हमारे कुछ और भी स्पेशल अपडेट की तरफ, जहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो हमारा अपकमिंग ईवोगन होगा, अब ये मैं आपको नया ईवोगन नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को हमारे गेम के अंदर फिर से दोबारा से रिटर्न आते हुए देखने मिलेगा एक ईवोगन, जो कि रहेगा हमारा M10 का, जो कहा जा रहा है कि हमारे इंडियन सर्वर के अंदर भी आने के चांस है, बट यहाँ पे कंफर्मेशन बस बांग्लादेश सर्वर के लिए मिला है कि यहाँ पे उनके सर्वर में नया ईवोगन नहीं पुराना ईवोगन देखने मिलेगा M10 का, जो कि रिटर्न आने वाला है 9 जून को। और जो लोग आप में से ईवोगन का M10 नहीं निकाले थे, अब आप लोग फिर से निकाल सकते हो, 9 जून को आप लोगों के सर्वर में आ जाएगा। पर दोस्तों मैं अभी आप लोगों को जो अपडेट देने वाला हूँ, आप लोग इस अपडेट से थोड़ा हंसोगे भी, रोओगे भी और पागल भी हो जाओगे, भाई ये क्या करना चाहता फ्री फायर। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे गेम में एक अच्छा खासा रेयर पेंट था, जो कि हमारा ब्लू एंजेलिक पेंट था, और वो बहुत ज्यादा रेयर था एक टाइम पे, बट अभी आप लोगों को सभी लोगों को मिल भी गया। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट ओबी अपडेट में रेड एंजेलिक पेंट, अब उसका भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हाइप बना, बंदे लोग उसको भी निकाल दिए, बट अभी आप लोग सोचोगे नहीं फ्री फायर यहाँ पे क्या किया। फ्री फायर यहाँ पे अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नया व्हाइट एंजेलिक पेंट लेके आया, जिसको अभी आप लोग हमारे स्क्रीन में देख सकते हो। भाई मतलब क्या ही चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे बैक टू बैक एक पेंट के डिफरेंट टाइप के कलर लेके आ रहे हैं। भाई लाना है तो भाई डायरेक्ट इनक्यूबेटर में डाल दो, और इनक्यूबेटर के जो भी बंडल होते हैं आप लोगों को पता है कि भाई नॉर्मल बस एक ही टाइप का देखने को मिलता है, बस कलर चेंज करके लाते हैं और फिल्टर लगा देते हैं और थोड़ा बहुत इफेक्ट VFX ऐड कर देते हैं, तो वही चीज इसमें भी कर दो, एक ही बार में हमें पता चल जाएगा भाई हाँ भाई ये पेंट निकालना है। बट यहाँ पे हर एक ओबी अपडेट में एंजेलिक का नया पेंट आ रहा है, और ऐसा दिन भी कहीं ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पे आप लोगों को एंजेलिक पेंट का ईवो पेंट भी देखने को मिलेगा, या ईवो लेजेंडरी पेंट, सच बता रहा हूँ, लिख लो नोट करके। और दोस्तों आपको अपडेट पसंद आ रहा तो भाई भाई क्या कर रहे फोन देख के, भाई एक अंगूठा तो फ्री होगा, उसको बस थोड़ा सा लाइक कर दो, बस थोड़ा सा प्रेस कर दो वो लाइक हो जाएगा, इतना सा काम कर सकते हो हमारे लिए ना, तो कर दो अभी, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ नए इमोट दिखाने वाला हूँ, जिसको अभी आप लोग हमारे स्क्रीन में देख सकते हो। भाई साहब पहला यहाँ पे इमोट आप लोग देख सकते हो, भाई ये इमोट देख के मुझे पर्सनली अपना सबसे ज्यादा फेवरेट ड्रैगन बॉल जी में नाम बताने की भी जरूरत नहीं
नहीं अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, गोकू का याद आ गया दोस्तों ये इमोट देख के। अब आपको पता नहीं होगा कि मैं गोकू को कितना बड़ा फैन हूँ, जो बंदे मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है मुझे ड्रैगन बॉल जी बहुत पसंद है यार बचपन से। फिलहाल आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि वही टाइप का एनिमेशन यहाँ पे इस इमोट में देखने को मिल रहा है, और अब मैं तो इस इमोट को गलती से भी नहीं छोड़ूंगा लेने के लिए, भले ये कितना भी हजार का डायमंड में आ जाए, बट अब मैं इसको तो लेने वाला हूँ सच में पर्सनली। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी इमोट आ रहे हैं जिससे इससे भी खतरनाक आपको देखने मिलेंगे। वो इमोट क्या है देख लो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देख लो ये इमोट कुछ इस तरह का आपको देखने मिलेगा। ये थोड़ा मुझे यहाँ पे हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा लगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जब भी आता है या उसका इंटरवल होता है तो कुछ इसी तरह ये आता है, बट यहाँ पे इसका जो भवरा है ये थोड़ा मुझे यूनिक लगा फ्री फायर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और ये हमारा लॉबी एनिमेशन इमोट है, और आप लोग इस इमोट को बैटल रॉयल के अंदर नहीं शो कर सकते। अगर बाई चांस बैटल रॉयल के अंदर ये हमें शो करने का मौका मिलता तो बहुत ज्यादा मजा आता, सच बता रहा हूँ। गोल से ग्लू वॉल घेरता और ये इमोट दिखाता, और मेरे ग्लू वॉल के बाहर से ये जो घर्रा घूम रहा है वो भी बाहर में दिखता। एक टाइम पे एनिमी लोग सोच रहे होते भाई ये क्या हो रहा है, फ्री फायर के गेम के अंदर तूफान कब से आना शुरू हो गया। और इसके बाद यहाँ पे एक और प्यारा सा आपको इमोट देखने मिलेगा, ये भी हमारा लॉबी एनिमेशन इमोट है जिसको अभी आप लोग हमारे स्क्रीन में देख सकते हो। और ये इमोट भी हमें थोड़े बहुत गोकू से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोकू का एक एपिसोड में उसको एक बादल मिलता है जो कि कुछ इस तरह के रहता है, बट वो येलो कलर का रहता है, बट ये हमारा रियल बादल टाइप का देखने को मिल रहा है व्हाइट एंड ब्लू कलर में। और ये लॉबी एनिमेशन इमोट आप लोगों को पसंद आया कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक चीज मैं सच में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई फ्री फायर इतना जन से कोलैबोरेशन करो, भाई ड्रैगन बॉल जी के साथ भी कोलैबोरेशन कर लो, सच बता रहा हूँ भाई मजा आ जाएगा। मेरा उस दिन का दिन नहीं होगा, वो दिन मजेदार दिन होगा। बट खैर चलो ये फ्री फायर के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग कोलैबोरेशन करेंगे कि नहीं। और दोस्तों जो लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर है उसका एमबी कितना है, सबसे पहला बात अभी मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूँ जो कि अभी आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। पहले हमारा जो फ्री फायर मैक्स का जो स्टोरेज था वो हमारा 848 एमबी का था, ठीक है, जो कि उसको घटा के यहाँ पे 506 एमबी का कर दिया गया, जो कि फ्री फायर मैक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। और हमारा जो नॉर्मल फ्री फायर था वो 399 एमबी का था, अब उसको यहाँ पे 358 एमबी का कर दिया गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भाई हमारा जो फ्री फायर है नॉर्मल फ्री फायर मैक्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फ्री फायर के बारे में, उस फ्री फायर को हम लोग किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला बात जहां तक मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो पूरी तरह से कंफर्म भी नहीं है, जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पे जो फ्री फायर मैक्स में जो इवेंट आ रहे हैं वो इवेंट आपको नॉर्मल फ्री फायर में नहीं देखने मिलेंगे, जो कि आपको एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड मिले हैं खासकर फ्री फायर मैक्स के थ्रू। बट अगर आपको फिर भी डाउनलोड करना है तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारी कमेंट करो कि भाई नॉर्मल फ्री फायर किस तरह डाउनलोड करना है, इसके बारे में आप लोगों को मैं अपडेट दे दूंगा। बट अगर आप लोगों को फ्री फायर मैक्स ही खेलना है तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि आप लोगों का जो फ्री फायर मैक्स है वो नॉर्मल फ्री फायर में ट्रांसफर हो सकता है, बस आपको कुछ स्टेप यहाँ पे फॉलो करना होगा, जाके आप लोग कल की वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों अब मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, बाय बाय।